प्यारे बच्चों, आप नवी कक्षा में पढ़ रहे हो। आपको मालूम है मेरा नाम पीडी होमवर्क। मैं 25 वर्ष से ज्ञान साधना शिक्षण संस्था इस स्कूल में हिंदी विषय पढ़ा रहा हूं। देखिए, मैं पहले आपको इस वर्ष के 2020-21 साल के लिए 30% जो पाठ्यक्रम है वह कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है, इसके बारे में पहले आपको जानकारी देना चाहता हूं। इससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि बच्चों, आप मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और सामाजिक अंतर का ध्यान दीजिए। इधर उधर बिना कारण मत घूमिए। मालूम हुआ? देखो, रोमन नंबर 10 निकालिए। पन्ना नंबर 10, इसमें देखो पात्र क्रम संख्या है और दूसरा पाठ और पृष्ठ संख्या, यानी क्या पेज नंबर। इसमें देखो, आपको ध्यान से देखना है, पेज नंबर 10 अनुक्रमणिका निकालिए। अनुक्रमणिका सेतुबंध जो है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। सेतुबंध यानी क्या? फिक्स कोर्स, यानी आपको सेतुबंध में प्रीवियस क्लास यानी 8वीं के क्लास का अभ्यासक्रम और कुछ प्रश्नोत्तर रहते हैं। इसकी ओर आपको ध्यान देना है, यानी आप पहले क्लास में जिसमें जो आठवीं में आप जितना पढ़ा है इसके बारे में जानकारी रखी है। देखो, सेतुबंध में कोई भी परिवर्तन नहीं है, अभ्यासक्रम के लिए है। पृष्ठ नंबर 5, पेज नंबर 5, जय जय भारत माता एक कविता है, यह भी अभ्यासक्रम के लिए रखा गया है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। दूसरा पाठ जो है क्रम संख्या 2, गुलाब सिंह कहानी, गुलाब सिंह के बारे में कहानी के रूप में दिया गया है, पन्ना नंबर 9, एक अभ्यासक्रम के लिए रखा गया है। तीसरा जो पाठ है स्वामी विवेकानंद, उनके लाइफ स्टोरी जीवनी, पेज नंबर 19-19, क्या ये भी अभ्यासक्रम के लिए रखा गया है। चौथा पाठ जो है वो अनुशासन ही शासन है, ये क्या है? कौन सी विधा है? कविता है, कविता के रूप में रखा गया है, यह भी अभ्यासक्रम के लिए रखा गया है। पन्ना नंबर 27 अभ्यासक्रम के लिए रखा गया है। पांचवा पाठ जो है कहानी मौसी, पन्ना नंबर 32, ये भी अभ्यासक्रम के लिए रखा गया है। ध्यान से आपको नोट करना है, लिख के रखना है, और कौन से पाठ अभ्यासक्रम के लिए है इसकी ओर पूरा ध्यान देना है, कौन सा पाठ अभ्यासक्रम के लिए नहीं है इसके बारे में सोचना भी नहीं। देखो, छठवां जो पाठ है चेरापूंजी से आया हूं, ये प्रवास का वर्णन यात्रा वृत्तांत है। चेरापूंजी से आया हूं, ये पन्ना नंबर 40 पर है, ये भी अभ्यासक्रम के लिए, पाठ्यक्रम के लिए इस वर्ष यानी 2020-21 के लिए रखा गया है। ध्यान से सुनिए। अभी सातवां पाठ जो है, मैंने बोर्ड पर लिखा है सातवां पाठ, पर्यावरण बचाओ एक कविता है। सातवां पाठ जो है पर्यावरण बचाओ कविता, एक कविता पन्ना नंबर 52 पर है। देखो, ये कविता पूर्ण रूप से ड्रॉप की गई, पूर्ण से अभ्यास
इसके बाद आठवां पार्ट जो है भीम और राक्षस, ये क्या है वन एक्ट प्ले है क्या एकांकी है, ये एकांकी पन्ना नंबर 57 के ऊपर है। भीम और राक्षस महाभारत के आधार पर है, ये एकांकी को भी अभ्यास क्रम के लिए रखा गया है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। नौवा जो पाठ है नफे के चक्कर में, ये क्या है लोक कथा है, हा? नफे के चक्कर में पन्ना नंबर 71 पर नौवा पाठ जो है वह रखा गया है, वह भी अभ्यास क्रम के लिए रखा गया है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं। दसवा जो पाठ है आपको मालूम है, दसवा पाठ आप देखिए उधर अनुक्रमणिका में, चलना हमारा काम है, ये क्या है कविता है, चलना हमारा काम है कविता पन्ना नंबर 82 पर है, ये क्या है ये भी अभ्यास क्रम से पाठ्यक्रम से सिलेबस से ड्रॉप कर दिया गया है, निकाल दिया गया से आप नोट कर लीजिए, चलना हमारा काम है एक कविता निकाल ली है। बाद में खेलो कूदो स्वस्थ रहो निबंध, 11 पाठ जो है खेलो कूदो स्वस्थ रहो, ये 87 के पन्ने के ऊपर है 87 पन्ने के ऊपर है। देखो खेलो कूदो स्वस्थ रहो खेल का महत्व के बारे में ये पाठ निबंध के रूप में आपको रखा गया है, यह भी अध्ययन के लिए या पाठ्यक्रम के लिए रखा गया है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। 12वां जो पाठ है सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा, ध्यान से सुनो, सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा एक कहानी के रूप में स्टोरी के रूप में दिया गया है, पन्ना नंबर 95 ये अध्ययन के लिए अभ्यास के लिए रखा गया है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। समझ में आया। 13वां जो पाठ है साथी हाथ बढ़ाना है, कविता का रूप है कविता है साथी हाथ बढ़ाना, साहेब विद्यानिधि की बहुत सुंदर कविता है साथी हाथ बढ़ाना, साथी एक 106 पन्ने पर है और ये पाठार्थ के लिए भी है, इसलिए ये कविता पाठ्यक्रम के लिए रखा गया है, इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं है। 14वां जो पाठ है सौर ऊर्जा, एक आर्टिकल लेख, सौर ऊर्जा जो है वह 113 पन्ने पर है, इसको भी अभ्यास के लिए अध्ययन के लिए रखा गया है, ध्यान से आपको लिख के रखना है। 15वां जो पाठ है हमारे कर्नाटक की वीर रानी चन्नम्मा का व्यक्ति पढ़ते हैं, वीरांगना चन्नम्मा के बारे में 122 पन्ना नंबर 122 है, ये भी अध्ययन के लिए रखा गया है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। 16वां जो पाठ है ध्यान से सुनो, 16वां जो पाठ है पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह, पन्ना नंबर 131, इस पाठ को